हेलो स्टूडेंट्स स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है अगर आप बी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर चुका जिसमें फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वो भी इंग्लिश वर्जन में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कम्प्लीटली मेल्ट वन ग्राम ऑफ आइस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ओके मीन्स एक ग्राम बर्फ को अगर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक काम करना होगा ऑप्शन ए टू जूल ऑप्शन बी एट्टी जूल ऑप्शन सी थ्री सिक्सटी सिक्स जूल एंड ऑप्शन ए टू टू सिक्स एट जूल तो इसका कैट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट्टी जूल ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट मतलब जो खतरे का संकेत होता है वो हमेशा लाल बत्ती के रूप में लाल होता है इसका रीज़न क्या है ऑप्शन ए अंडरगोज लिस्ट डिविएशन ऑप्शन बी हैज़ लोएस्ट वैलोसिटी ऑप्शन सी इज लिस्ट ब्राइट एंड ऑप्शन गिव कम्फर्ट टू आई तो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडरगोज लिस्ट डिविएशन ठीक है कम से कम विचलन से गुजरना इसी सिद्धांत और इसी के कारण जो है ना रेड को खतरे की संकेत माना जाता है ताकि जो भी मौसम वेदर जो भी खराब हो वो कम विचलित होकर बहुत दूर तक फिर भी वो ट्रेवल कर पाती है नेक्स्ट क्वेश्चन से आइसफेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप इन मर्क्यूरी कंटेनर विल मरकरी कंटेनर में गिराए जाने पर स्टील से बनी एक गोलाकार गेंद में क्या प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन ए सिंक इन मरकरी ऑप्शन बी विल बी ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी ऑप्शन सी विल बी पार्शियली इमर्ज मरकरी एंड ऑप्शन डी विल डिजॉल्व इन मरकरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंक इन मरकरी मतलब मरकरी में डूब जाएगा ओके okay? क्यों क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से एनर्जी डेट इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑप्शन डी लाइट एनर्जी तो कोयले के व्यावसायिक रूप से जो उत्पादित ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी ठीक है थर्मल एनर्जी मीन्स वो एनर्जी कोयले से आपका प्रोड्यूस हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूसड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई ओके निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है ऑप्शन ए टनल डायोड ऑप्शन बी जेनर डायोड ऑप्शन सी जंक्शन डायोड एंड ऑप्शन डी गन डायोड वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनर डायोड ओके जेनर डायोड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन से रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज ऑप्शन ए कॉन्केव ऑप्शन बी कॉन्वेक्स ऑप्शन सी इन्वर्टेड एंड ऑप्शन डी प्लेन मीन्स ड्राइविंग के लिए एक रियर व्यू मिरर कौन सा होता है तो इसका कई डेंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्वेक्स ठीक है कॉन्वैक्स में क्या होता है बहुत ही कम जगह में पूरी की पूरी प्रतिबिंब का बहुत बड़ा एरिया इसमें आ सकता है ठीक है क्योंकि ये प्रतिबिंब को छोटा बनाता है इमेज को ये छोटा बनाता है बट सीधा बनाता है और सीधा बनाता है और क्लियर आपको विजुअल मिल जाता है और बहुत ही बड़ा एरिया का बहुत ही कम एरिया में आपको विजुअलिटी मिल जाता है इमेज मिल जाता है इसलिए इसका यूज होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज एक सेकेंड में एक सेकेंड के लोलक का आवर्तकाल क्या होगा ऑप्शन वन सेकेंड ऑप्शन बी फाइव सेकंड ऑप्शन सी टू सेकेंड एंड ऑप्शन डी फिफ्टीन सेकेंड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू सेकेंड ठीक है कोई भी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होगा ना सेकेंड में एक सेकेंड में जो आपका आवर्तकाल होगा वो टू सेकंड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से डैम्प क्लोथ आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ मतलब गीले कपड़े किसकी क्रिया से स्पिन ड्रायर में सूख जाते हैं ऑप्शन है नन सेंट्रल फोर्स ऑप्शन बी सेंट्रल फोर्स ऑप्शन सेंट्री फ्यूगल फोर्स एंड ऑप्शन है सेंट्री पिटल फोर्स सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट्री फ्यूगल फोर्स ठीक है इसकी वजह से कपड़े आसानी से सूख जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैलस्ट्रियल बॉडीज कंटेंट एवंडेंट क्वालिटीज ऑफ हीलियम थ्री अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में प्रचुर मात्रा में हीलियम थ्री ऊर्जा का एक संभावित स्रोत माना जाता है ऑप्शन ए मून ऑप्शन बी अर्थ ऑप्शन वीनस एंड ऑप्शन ए सैटर्न तो इसका कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मून ठीक है मून में आपको हीलियम थ्री का एक बहुत ही ज्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग मेटिज़्म ये एस्टिग मेटिज़्म एक डिजीज़ होता है ओके और इस डिजीज को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस ऑप्शन वी कन्केब लेंस ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस एंड ऑप्शन डी वाई फोकल लेंस सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिलेंडिकल लेंस ठीक है सिलेंडिकल लेंस से एस्टिकमेटिज्म दूर किया जाता है ठीक है और यह भी पूछा जाता है एस्टीमेटिज्म जो डिजीज होती है वो कहाँ पे होती है आइज में होती है ये सेपरेटली पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ ये जो हमारे न्यूटन थे उसका जो प्रथम गति का नियम था वो किसकी अवधारणा देता है करेक्ट so, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनर्सिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से नॉट इज अ मेजर ऑफ ऑप्शन ए द दर्वेचर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑप्शन वि सोलर रेडिएशन ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्विक शॉक एंड ऑप्शन डी द स्पीड ऑफ शिप तो इसका कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द दिप द स्पीड ऑफ शिप जो होती है उसको नॉट में मेजर किया जा जाता है नॉट नॉट जो होता है इनके दूरी को मापा जाता है नॉट में नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस काइनेटिक एनर्जी इज बींग यूज इन परफॉर्मिंग वर्क मीन्स निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा जो होती है उसका उपयोग कार्य करने के लिए किया जा रहा है ऑप्शन ए पैडलिंग द बाइसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस ऑप्शन बी ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑप्शन सी वाइंड मिल ग्राइंडिंग वीट ग्रेन एंड ऑप्शन डी रोइंग अ बोट इन द लेक तो ये आपका चार एग्जाम्पल है इनमें से आपको बताना है काइटिक एनर्जी का वर्क कहाँ पे हो रहा है तो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस ठीक है कवर डिस्टेंस करने के लिए कार को ड्राइविंग कर रहे हैं इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिवस हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक आवर्धन देता है इसका रीज़न क्या है ऑप्शन ए द इलेक्ट्रॉन हैव मोर एनर्जी देन द लाइट पार्टिकल्स ऑप्शन बी द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द विजुअल लाइट ऑप्शन सी वैलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल पावरफुल्शन बी द वेब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मालेव लेंथ ऑफ द विजल लाइट ओके जो हमारा वेब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है लाइट की तुलना में और इसलिए ये ज्यादा आवर्धित आपको इमेज शो कराता है नेक्स्ट क्वेश्चन से पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू बोथ रिच द सर्फेस सिमिलटेनियसली मीन्स कागज का एक टुकड़ा और क्रिकेट के एक, एक बॉल को एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो निम्न में से किस स्थिति में दोनों ही साथ एक साथ सरफेस पे पहुंचेगा ऑप्शन ए दे मस्ट द सेम डेंसिटी ऑप्शन बी दे मस्ट हैव द सेम ऑप्शन सी दे मस्ट द सेम वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी दे मस्ट बी ड्रॉप इन वैक्यूम बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दे मस्ट बी ड्रॉप इन वैक्यूम अगर कोई मीडियम ना हो अगर कोई मीडियम ना हो तो ये कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट का बॉल चाहे इसका मास कितना भी ज़्यादा कम क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एम वन एम टू भी हो जाए ये दस के जी का हो जाए या दस ग्राम का हो जाए तो भी सरफेस पर यू नो एक साथ ही पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ये वैक्यूम है तो वैक्यूम में मास का कोई रोल नहीं होता ठीक है चाहे कितना भी मास हो जाए साथ में ही गिरना है ओके वीडियो यहीं तक है तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर, कर दीजिएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग